एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का है दिन संडे और मैं जा रही हूँ आज विजिट करने बैंगलोर पैलेस। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी डिटेक्शंस कि हम लोग कैसे जाते हैं। ऑब्वियसली आप कैब से डायरेक्टली जा सकते हैं, इन केस आप कैब से नहीं जाना चाहते, आप मेट्रो या बस से जाना चाहते हैं, वो भी मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊंगी कि कैसे जाया जाता है, प्लस क्या क्या है बैंगलोर पैलेस में, आप कैसे घूमते हैं, आप एक संडे कैसे बिता सकते हैं बैंगलोर पैलेस में। सो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें होंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर। यहाँ से मैं बोर्ड करूँगी 600S बस जो मुझे सीधे ड्रॉप करेगा बनशंकरी में। बनशंकरी से मैं मेट्रो करके जाऊँगी, तो बनशंकरी से मैं कैसे जाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो इट टुक मी अराउंड 30 to 40 minutes टू रीच बनशंकरी। बनशंकरी का ये जो जगह है यहाँ पे बस स्टैंड भी है और ऑपोजिट में मेट्रो स्टेशन भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं, मिनी मार्केट भी है। कृष्णा राज भवन में मैंने किया है अपना लंच। मैंने लिया था ऑथेंटिक पोंगल, साउथ इंडियन पोंगल जो खिचड़ी की तरह होता है, और मेरी फ्रेंड ने इडली लिया था। फिर हम लोग आ गए हैं बनशंकरी मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस पे। सो हम लोगों ने बनशंकरी टू मंत्री स्क्वायर सिंपेज का टिकट लिया है। इट कॉस्टेड अस ₹30 per person। मंत्री स्क्वायर में उतरने के बाद हम लोग ऑटो बोर्ड करेंगे, उबर ऑटो, या फिर वहाँ पे आप रनिंग ऑटो भी ले सकते हैं। उबर ऑटो में आपको ₹60 या ₹70 वो चार्ज करते हैं। नाउ आफ्टर 10 minutes हम लोग पहुँच गए हैं बैंगलोर पैलेस। आप देख सकते हैं इसका जो बाहर का व्यू है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर यहाँ पे टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर में पर पर्सन ₹240 लगता है, और अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं तो एडिशनल ₹300 लगता है, इवन मोबाइल कैमरा का ₹300 लेते हैं। अगर आपको गाइड की ज़रूरत है तो यहाँ पे रीयूजेबल ईयरफोन्स भी मिलते हैं, तो हमारे पास बहुत पेशेंस नहीं था क्योंकि क्यू जो था काफ़ी लंबा था, तो हम लोग विदाउट एनी गाइड जा रहे हैं एंट्री पे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस स्टार्टेड इन द ईयर 1874, एंड जो एरिया जिसपे यहाँ बना हुआ है इट वॉज ओन्ड बाई जे गैरेट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे अभी जो बैंगलोर का सेंट्रल कॉलेज है उसके। नाउ इन 1873 जो यहाँ के राजा थे चमराजेंद्र वाडियार 10, जिनका मैसूर पैलेस भी है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज कर लिया था गैरेट से। तो बेसिकली जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया वो यहाँ का बॉल रूम था जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज हेल्ड होती थी। और जो पूरा वॉल्स है वो येलो कलर का उसमें यूज़ किया गया, इवन द सोफा सेट जो हॉल पे है वो येलो कलर का है। यू विल फाइंड ज्योमेट्रिक टाइल एंड वॉल पेपर इन द पैलेस, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे में। बेसिकली दिस पैलेस फीचर्स मेनली वुडन इंटीरियर्स, और जो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो तुदूर और स्कॉटिश गॉथिक का मेनली इसमें यूज हुआ है, और जो एलिमेंट्स थे वो ब्रिटेन से लाइक दे हैड इम्पोर्टेड। द लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द पैलेस रिफ्लेक्ट अ मोर ट्रेडिशनल हिंदू स्टाइल ऑफ डेकोर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग विद अ वॉकवे। पिलर्स एंड आर्चेस डोमिनेट द इंटीरियर्स ऑफ द बैंगलोर पैलेस। इट इज ऑल्सो होम टू मेनी रिनोन्ड 19th एंड 20th सेंचुरी पेंटिंग्स इंक्लूडिंग दोज बाई राजा रवि वर्मा, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस पेंटर्स। देर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स that chronicle the different generations of the Wadiyar dynasty along with the offering glimpse into the evolution of Bangalore over the last century. So ek aisa bhi believe hai ki yahan ke jo raja the Chamaraja Wadiyar, unhone jo palace ka inspiration hai wo Windsor castle se liya tha, aur other structures of Normandy and England se bhi unka inspiration tha. So 1874 mein jo hai
इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1878 तक आते आते वो जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन पोस्ट दैट देयर वर सबसिक्वेंट एडिशंस एंड रेनोवेशंस दैट हैव बीन कैरिड आउट। Ornate cornices and patterned walls add to the lavish setting of the building's room along with the luxurious chandeliers. The courtyard of the Maharaja features a fountain gifted by the erstwhile Spanish royal and a colored tile bench boasting an art deco design. This palace is full of many elephant trophies. Hunting was a favorite pastime of the old Wadias. जो बैंगलोर पैलेस का ओनरशिप है उसको काफ़ी सारी लीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू इट हैज़ गॉन थ्रू, सो प्रेजेंटली इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द मैसूर रॉयल फैमिली जो श्रीकांता दत्ता नरसिम्हा वाडियार के अंडर है। और जो पैलेस का डोर ओपन हुआ था वो फर्स्ट टाइम 2005 में ओपन हुआ था कॉमन जनरल पब्लिक के लिए। A coat of arms which was gifted to the Wadias by the British is also another attraction at the palace. So finally हम लोग इसके exit point पे आ चुके हैं। मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि इसका एग्ज़िट कैसा है और फिर सामने ये बहुत बड़ा सा गार्डन है। ये बाहर का व्यू है पैलेस का और ये जो एक्चुअली दीवार पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो नींबू के प्लांट्स हैं, उस पर नींबू है। पैलेस के अगल बगल जो बहुत सारा स्पेस है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं, म्यूज़िक कंसर्ट्स भी होते हैं मैक्सिमम। ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ द ग्राउंड इज़ कल्टिवेटेड। आप देख सकते हैं कि ये जो मैं गार्डन आपको शो कर रही हूँ, बाकी का जो एरिया है वो काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड ही आपको लगेगा। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने भी यहाँ पर परफॉर्म किया है, यू नो लाइक जेसीन लुड्रा क्रिस फ्लोरिडा। तो मेटालिका परफॉर्म्ड एट द पैलेस ग्राउंड्स ऑन 30th of October 2011 एज अ पार्ट ऑफ रॉक एंड इंडिया फेस्टिवल, जो उनका फर्स्ट शो था इंडिया में और करीबन 30,000 to 31,000 लोगों ने उसको अटेंड भी किया था। अ विजिट टू द पैलेस गिव्स यू अ चांस टू विटनेस द एलिगेंट एंड लैविश स्प्लेंडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऑडियो टेप था रीयूजेबल वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो किसी को भी लैंग्वेज इशू है वो आराम से उसको यूज़ कर सकता है टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द पैलेस बेटर। अब हो गए हैं 5:30, तो अब यहाँ पे ये बैंगलोर पैलेस बंद होने वाला है, तो हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले हैं यहाँ। तो हम लोगों ने एक ऑटो किया जो एक एक्चुअली मार्केटिंग ऑटो था, तो वो हमें ले गया एक सिल्क साड़ी के शॉप पे जिसका नाम था भैरवा सिल्क साड़ी शॉप। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही सही था हम लोगों का डिसीजन वहाँ जाने का। आपको काफ़ी सारी साड़ियाँ मिल जा रही थी और मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है। आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी अटैच किए हैं, कांजीवरम से लेके आपको मैसूर सिल्क, बैंगलोर सिल्क, इवन बैंगलोर समर सिल्क साड़ियाँ भी मिलेंगी। फाइनली मैंने शॉपिंग भी कर लिया, दो साड़ी भी खरीद ली और अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस।
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि दो मैंने दो जो साड़ियाँ खरीदी हैं वो कैसी हैं। तो ये पैक करके देते हैं साउथ इंडिया में साड़ी बहुत अच्छे से ये पेपर। तो एक ये वाली साड़ी है, ये बैंगलोर सिल्क साड़ी है। टू बी वेरी फ्रैंक मुझे साड़ियों का उतना आइडिया नहीं है, बट एज पर द शॉपकीपर इसमें जो डिज़ाइन है वो कलमकारी डिज़ाइन कहते हैं। ये बहुत ही प्रिटी कलर है। और जो दूसरी साड़ी है वो है ये, इसको कहते हैं समर सिल्क साड़ी, बैंगलोर समर सिल्क साड़ी। ये बहुत ही मेरे को पसंद आया था तो मैं अपनी मम्मी के लिए मैंने ये ख़रीदा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सो ये दोनों मिला के मेरे को 4500 का पड़ा। ये बैंगलोर सिल्क का समर सिल्क का ये 1500 बोल रहे थे और इसका दे वर सेइंग 3000 रुपीज़। तो आई हैड अ गुड डे टुडे, मेरे को मज़ा आया, मैंने कुछ नया देखा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।